अभ्यास का महत्व। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी जी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, अपने घर चले जाओ और घरवालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे, तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे यह निशान हमने नहीं बनाए, यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पद्मंजरी की रचना की। कहानी की सीख। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है, यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे, तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाए। ऐसे ही प्रेरणात्मक, मनोरंजक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और आपके क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताएं।